अगर मुझे मौका मिले तो मैं सिर्फ 18 महीने में परमाणु बम बना सकता हूँ। 1965 में आकाशवाणी पर डॉक्टर भाभा ने ये घोषणा की थी। 18 मई 1974 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था और 11 मई 1998 भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। लेकिन भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखने वाले जिन्होंने इसकी नींव रखी थी वो इसे देखने से लगभग 8 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, जिन्हें इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है या फिर फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे में हुआ था। इनका जन्म काफ़ी शिक्षित परिवार में हुआ था और इनके पिता अंग्रेज़ों के समय के एक प्रसिद्ध वकील थे। शुरुआती शिक्षा बॉम्बे के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से प्राप्त की थी। इसके बाद वे एल्फिनस्टोन्स कॉलेज और इसके आगे की पढ़ाई रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से की। उनके ऊपर पिता और पिता के दोस्त द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का दबाव बनाया गया ताकि वो वहां से आकर टाटा स्टील्स में काम कर सके। होमी जहांगीर भाभा के मन में न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बढ़ गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आने के बाद उसके बाद उन्होंने 1933 में न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट हासिल की और यहीं से शुरू होता है भाभा के फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने का सफर। जब भाभा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहे थे तब सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अलावा कोई भी संस्थान नहीं था जहां पर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिसर्च कर सके। रिसर्च प्रोग्राम में आने वाली कठिनाइयों के बाद उन्होंने मार्च 1944 को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को भारत में एक ऐसे संस्थान की स्थापना करने के लिए निवेदन किया जो कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में सहायक साबित हो। इनके इस निवेदन को टाटा ट्रस्ट ने मानते हुए फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की। बॉम्बे को संस्थान स्थापित करने के लिए सबसे आवश्यक जगह चुना गया क्योंकि वहां की सरकार उनकी सहायता करने के लिए तैयार थी। उस संस्थान का नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR रखा गया। बाद में भाभा ने भारत सरकार से एक और संस्थान की स्थापना करने का आग्रह किया जिसके तहत एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे AEET तथा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की भी स्थापना 1954 में हुई। आपको बता दें कि बाद में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया था। भाभा को ही थोरियम से पावर जनरेट करने के आइडिया का श्रेय दिया जाता है और भारत के 3-स्टेज न्यूक्लियर पावर का भी श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। उस समय जहां दूसरे देश अपने एटॉमिक पावर में यूरेनियम का प्रयोग करते थे वहीं भारत थोरियम का प्रयोग करने जा रहा था। भाभा की इस काबिलियत ने उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम के क्षेत्र में उनके कद को और भी ऊंचाई दी। भाभा की काबिलियत को हम इस तस्वीर से समझ सकते हैं जिसमें भाभा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ दिखाई देते हैं। होमी जहांगीर भाभा ने भारत की परमाणु तकनीक की नींव रखी थी और वे भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र देखना चाहते थे। उनके साथ ही यह ख्वाब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देखा था, इसलिए उन्होंने भाभा को इस दिशा में काम करने की मंजूरी दे दी थी। भारत उस वक्त उतना संपन्न नहीं था लेकिन एटम्स ऑफ पीस जैसे होने वाले कई अंतरराष्ट्रीय परमाणु सम्मेलनों में हिस्सा बनता था जिसका नेतृत्व खुद होमी जहांगीर भाभा करते थे। शायद इसीलिए वे दुश्मन देशों की आंखों में खटकने लगे थे और 24 जनवरी 1966 को संदेहास्पद तरीके से हुए एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। भाभा के अचानक निधन से भारत के परमाणु कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा झटका लगा।
माना जाता है कि कई संदिग्ध ताकतें ये नहीं चाहती थी कि भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बने, इसलिए एक साजिश के तहत होमी जहांगीर भाभा को एक प्लेन क्रैश में मरवा दिया गया। सवाल यह है कि होमी जहांगीर भाभा से ये ताकतें क्यों घबरा रही थी। दरअसल अक्टूबर 1965 में भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह घोषणा की थी कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे 18 महीने में ही परमाणु बम बना सकते हैं, लेकिन वे इस ऊर्जा का इस्तेमाल विकास के लिए करना चाहते थे। जिनेवा सम्मेलन में उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया था। I venture to predict that a method will be found for liberating fusion energy in a controlled manner within the next 2 decades. When that happens, the energy problems of the world will truly have been solved forever. भाभा की मौत के 42 साल बाद पूरा देश तब सन्न रह गया था जब 2008 में एक वेबसाइट tvrnews.org ने यह संकेत दिया था कि होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के पीछे अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। वेबसाइट ने CIA ऑफिसर रॉबर्ट टी क्राउली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस की बातचीत का हवाला दिया था। वेबसाइट के मुताबिक एक टॉप ऑफिसर ने ही इस बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट नवंबर 2008 में वेबसाइट को भेजी थी। इसके बाद अगस्त 2012 में प्लेन के दुर्घटना स्थल पर मोबला से एक जूट बैग मिला था जिसमें मिले दस्तावेजों पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मुहर थी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह बैग किसका था और इसमें दस्तावेज किस कार्य से संबंधित थे। 27 जुलाई 2017 को एक पर्वतारोही डैनियल रोशे ने उसी जगह से मोबला पर्वत से कुछ मानव अंगों के अवशेषों को बरामद किया था। उनके मुताबिक ये जो अवशेष मिले थे वो 1966 में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 707 में सवार यात्रियों में से है, लेकिन अब भी इस बात से पर्दा नहीं उठाया है कि यह हादसा था या साजिश। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश भारत दुनिया की 9 परमाणु शक्तियों में से एक है, मगर भारत को परमाणु शक्ति बनाने की नींव रखने वाले इंसान की मृत्यु एक हादसा थी या साजिश, यह बात हम पता लगाने में आज तक नाकामयाब रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि होमी जहांगीर भाभा का बंगला मेहरानगिर, जिसको उनकी याद में परमाणु ऊर्जा संग्रहालय या कोई वैज्ञानिक म्यूजियम के तौर पर बनाया जा सकता था, लेकिन उसे जून 2014 में नीलाम कर दिया गया और 2016 में इस बंगले को तोड़ दिया गया। कई वैज्ञानिकों ने इसका विरोध भी किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह अफसोस की बात है कि देश के महान नायकों में से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की निशानियों को हम सहेज कर नहीं रख पाए। उसके ऊपर भी सिस्टम का बुलडोजर चल गया और वो भी हमारी सिस्टम की भेंट चढ़ गया। हम उनकी निशानियों को वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वे हकदार थे। सवाल कई सारे हैं आज हमारे सामने हमारे महान नायक को लेकर। क्या कभी हमें ये पता चल पाएगा कि इस महान नायक की मृत्यु एक हादसा थी या साजिश? आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।